पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वो दिन है जिसमें लड़कियों के लिए अधिक अवसरों का समर्थन किया जाता है। इस वर्ष की थीम किशोर लड़की की शक्ति 2030 की दृष्टि है। आज बालिका हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन वो अभी भी अनेक कुरीतियों का शिकार है। आज भी हजारों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है या फिर जन्म लेते ही लावारिस छोड़ दिया जाता है। भारत में करीब आधी लड़कियां आज भी ऐसी हैं जिनकी शादियां 18 साल से पहले हो जाती है। इन शादीशुदा लड़कियों में से करीब एक चौथाई ऐसी है जो 18 साल के पहले माँ बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें घटते बालिका अनुपात को जीवन चक्र पर देश के 161 जिलों में योजना शुरू की गई। आज करीब 2.5 साल हो चुके हैं और अब तक 104 जिलों में कन्या शिशु जन्म अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। भारत में इस साल महिला और बाल विकास मंत्रालय 9 से 14 अक्टूबर के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह मना रहा है, जिसका विषय नए भारत की बेटियाँ हैं। वहीं दिल्ली स्थित विभिन्न देशों के दूतावास और उच्च आयोग 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस के अवसर पर एक संयुक्त बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस के अवसर पर हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि हम बालिकाओं महिलाओं की उन्नति के लिए अधिक से अधिक अवसर उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे।